अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ रमदान रेसिपीज़, जिसमें मैं बना रही हूँ 3 types ऑफ समोसास। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना है एक इम्पॉर्टेंट मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 3 tablespoons साबुत ज़ीरा, 3 tablespoons साबुत धनिया और 3 tablespoons साबुत काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मैं रोस्ट कर रही हूँ फ्राई पैन के ऊपर, और फिर इसके अंदर डलने वाली है साबुत लाल मिर्च। इनको हम रोस्ट करेंगे तब तक जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो चलें इसको रोस्ट करते हैं। इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक ग्राइंड कर रही हूँ। पहले हम बना रहे हैं कीमे का समोसा, तो उसके लिए जो है मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक को ग्राइंड कर रही हूँ। आप लोग भी फ्रेश डालिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने ले ली है कढ़ाई, इसके अंदर डाल दिया है फ्रेश जिंजर गार्लिक जो कि मैंने चॉप किया था। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि गार्लिक की खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 kilo कीमा डाल दिया है, बीफ का कीमा मैंने लिया है जो कि 1 kilo था, और मैंने फ़ौरन इसको ढक दिया है ताकि जिंजर गार्लिक की खुशबू कीमे के अंदर आ जाए। अब जो मैंने मसाला भुना था, रोस्ट किया था, उसको मैं कर रही हूँ ग्राइंड। ये मैंने कर लिया है ग्राइंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला है जिससे ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं कीमे की, ये बहुत अच्छी बनेगी। तो ये मैं इसको फिल कर रही हूँ। अब ये जो मसाला था उसके 2 चमचे खाने वाले भर के मैंने इस कीमे के अंदर ऐड कर दिए। साथ में एक्स्ट्रा पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, आप कितना नमकीन खाते हैं। अब जा रहा है ये गार्लिक पाउडर, और बस फिर इसको ढक देंगे और पकने देंगे कीमे को। तो सब्जियां कट हो चुकी थी, आपने देख ली कि मैंने कैप्सिकम काटी थी और स्प्रिंग अनियन थी, अनियंस थी, ग्रीन चिलीज थी। तो ये सारी सब्जियां इसमें डलने वाली हैं। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 tablespoon भर के सोया सॉस और 1 tablespoon भर के वॉरसेस्टरशायर सॉस। और अब हम कीमे को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें से बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। कीमा ऑलमोस्ट 45 to 1 hour पकेगा, उसके बाद ही उसकी ये शक्ल आएगी। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ, और बस अब इसको बस चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा बस इसको वेजिटेबल्स को हीट मिलेगी और हम स्टोव को बंद कर देंगे। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। तो बस हल्की सी हीट देना ज़रूरी है क्योंकि हम ये फ्रीज़ करेंगे तो वेजिटेबल में हीट लगनी चाहिए, हल्की सी कुक होनी चाहिए, लाइक 20%। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ प्याज जो कि मैंने चॉप की थी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो ये सब चीज़ें अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, और बस फिर मैं थोड़ी देर में चूल्हा बंद कर दूँगी, मुझे इन सब्जियों को गलाना नहीं है। तो लास्ट में जा रहा है इसके अंदर हरा धनिया खूब सारा। तो मैंने डाला था कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियंस, अनियंस, ग्रीन चिलीज एंड ग्रीन कोरिएंडर, और बस फिर इसको भी मिक्स करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये बन जाएगी कीमे की मज़ेदार सी फिलिंग। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाले तो नंबर 1 पे होते हैं समोसे। ये तो मैं हर साल बनाती हूँ और ये मेरे हस्बैंड के तो मोस्ट फेवरेट हैं। तो ये मज़ेदार सी कीमा समोसा फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। तो अब बनाते हैं पोटैटो समोसा फिलिंग, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है 2 tablespoons। उसके अंदर मैंने डाला है 1 teaspoon ज़ीरा और 1/2 teaspoon राई दाना। इसको हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर 1 medium size की प्याज, जिसको हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये मैंने डाल दी है 1 medium प्याज। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन तो मैंने नहीं डाला। तो अब इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस हल्का सा सौते करना है।
और उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी डालेंगे जो कि आप देखेंगे अभी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक नहीं, जिंजर। जिंजर मैंने ली थी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, मैंने जिंजर चॉप कर ली थी। अब इसमें जाने वाले हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके अंदर जाएगा, इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही में हम डालने वाले हैं इसके अंदर वही मसाला जो मैंने भून के रखा था, ज़ीरा, धनिया, साबुत लाल मिर्च और काली मिर्च का मसाला जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ये मैं 1 टेबल स्पून भर के डालने वाली हूँ इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाने वाली है मटर। मटर मैंने बॉईल करके रखी थी तो मैं मटर डाल रही हूँ। मटर के साथ साथ इसके अंदर जा रहा है कॉर्न। कॉर्न मैंने लिया होगा 1/2 कप, मटर लिया है 1 कप। इसको थोड़ा सा चलाएंगे चम्मच इसका। ये दोनों चीज़ें आलू के समोसों में बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। अगर मटर अवेलेबल हो तो मटर डाल दें, अगर कॉर्न अवेलेबल हो तो कॉर्न डाल दें, लेकिन कोई एक चीज़ ज़रूर डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं समोसे आलू के। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ मैंने ऐड किया है ये इम्पॉर्टेंट मसाला। ये इम्पॉर्टेंट मसाला मैंने ऐसे बनाया है कि मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था, चिकन क्यूब था, तो मैंने चिकन पाउडर करने के लिए चिकन क्यूब में थोड़ा सा मैदा शामिल किया और थोड़ी सी फ्रेश ब्लैक पेपर शामिल की और गार्लिक पाउडर शामिल करके सब चीज़ों को ग्राइंड कर दिया, तो चिकन पाउडर तैयार हो गया। तो वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला इसके अंदर। और अब जा रहे हैं मैश पोटैटोस। ये सारे मैश पोटैटोस इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पोटैटोज़ भी हल्के से जो है वो गर्म हो जाएं और इस मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हल्का सा फ्राई हो जाएं। तो ये बड़े मज़े की इस टाइम खुशबू आ रही थी जब मैं ये कर रही थी प्रोसेस, क्योंकि आलू और वो जो मसाला भुना है हमने, उन सब की बहुत मज़े की खुशबू बन रही थी। साथ में अब जा रहा है फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको भी हम मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारी मज़ेदार सी पोटैटो की फिलिंग भी रेडी हो जाएगी पोटैटो समोसास बनाने के लिए। तो बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सॉल्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सॉल्ट की ज़रूरत लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। आपको मिर्चें अगर ज़्यादा पसंद हैं तो आप लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने चाट का मसाला भी इसमें ऐड किया था। चाट का मसाला भी मैंने 1 टीस्पून भर के डाला था चाट का मसाला, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके लिए। तो बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे, तो ये पोटैटो फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये रेडी हो चुकी है, मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि रेडी भी हो चुकी है और ठंडी हो रही है। तो अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से, जो कि मेरे फेवरेट हैं, चिकन एंड चीज़ फिलिंग समोसास। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी है एक वाइट सॉस। मैं बनाती हूँ वाइट सॉस के साथ चिकन चीज़ समोसास। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तकरीबन बटर, इसको हम मेल्ट करेंगे। और मेल्ट करने के बाद गार्लिक लिया था मैंने, चंद गार्लिक लिए थे, और एक छोटी मीडियम साइज़ की, बल्कि स्मॉल साइज़ की मैंने अनियन ली थी। और इन चीज़ों को मैं कर रही हूँ हल्का सा गार्लिक के साथ सौते, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इन चीज़ों में। गार्लिक और अनियन अच्छे से सौते हो गए हैं बटर के साथ। अब इसके अंदर जा रहा है मैदा, जो कि जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। और अब मैदे को हम इसमें भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और मैदा भी भुन जाए अच्छी तरह से। तो ये मैं मैदा भून रही हूँ ताकि मैदा का कच्चापन निकल जाए। और देखें मैदे ने कलर जो है वो चेंज कर दिया है, हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। और अब इसके अंदर जाने वाला है मिल्क। मिल्क मैंने लिया था तकरीबन 1.5 कप के जितना मिल्क लिया था मैंने इसके अंदर। आपकी जितनी क्वांटिटी हो तो आप उस हिसाब से लें, मेरी जो क्वांटिटी थी तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप मिल्क लिया था। तो ये मैं डालती जा रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। हमें ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है ये वाइट सॉस, हमें थिक सी रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ कोटेड होगी चिकन के साथ। इसको अगर ज़्यादा लिक्विड कर देंगे तो फिर समोसा बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वही चिकन पाउडर वाला मसाला जो मैंने चिकन क्यूब, मैदा, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर को ग्राइंड कर दिया था एक साथ, तो ये पाउडर तैयार हो गया था। साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड की है,
थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है वाइट सॉस के अंदर, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर ऐड की है और मैंने इसके अंदर वाइट पेपर भी ऐड की थी। और इसको हम मिक्स करेंगे। देखें, इस तरह की सॉस होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा लिक्विड ना ही ज़्यादा थिक, ऐसी कंसिस्टेंसी हो ताकि इसमें चिकन अच्छे से कोट हो जाए। ये मैंने चिकन के 4 फिलेट लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। और अब जाने वाली है इसके अंदर ग्रीन चिलीज। ये ग्रीन चिलीज मैंने डाल दी हैं। तो मेरी जो क्वांटिटी है वो 4 मैंने चिकन फिलेट्स लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था जिंजर गार्लिक के साथ, तो वो मैंने श्रेड करके डाला है। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर मैंने डाला होगा 1/2 टीस्पून। और ये मैं वाइट पेपर डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखें, जो वाइट सॉस बनाई थी वो टोटली कोटेड हो गई है चिकन में, कोई ऐसा लिक्विड नहीं दिख रहा है। तो बस इसी तरह की वाइट सॉस होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं चीज़। मेरे पास है यहाँ पे मोज़रेला चीज़, तो मैं मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको ढक दूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और ये मज़ेदार सी यमी सी फिलिंग रेडी हो जाए। तो ये मैंने ढक दिया था, तो देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है और देखें कितनी क्रीमी सी लग रही है। मुझे जो है वो चीज़ समोसा में भी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, तो मेरे पास यहाँ पे थी ग्रीन पेपर और रेड पेपर, तो इन दोनों को मैंने अलग से फ्राई पैन में थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर मिला दिया, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा सा कलर भी आ गया है इसमें, इस फिलिंग के में, और जो है ना ये और टेस्टी हो गई है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों पेपर इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका। और एक और चीज़ इसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया था। तो ये फिलिंग जो है वो इस टाइप की है। अब हम इसके अंदर 3 ब्रेड स्लाइसेस को लेके चॉप करेंगे। पहले 3 ब्रेड स्लाइसेस आप फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस ले लें, या आपके पास ब्रेड क्रम्स हों तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और ये वही चॉपर है जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया था, अनबॉक्सिंग की थी लास्ट वीडियो में। तो ये बहुत अच्छा चॉपर है और बहुत ही चीप प्राइस में बहुत अच्छा चॉपर मिल गया था, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में शो कर दिया। तो अब ये जो मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस चॉप किए थे, ये मैंने इस बैट मिक्सचर के अंदर, इस फिलिंग के अंदर ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि फिलिंग थोड़ी सी और ड्राई हो जाएगी और जब ये कूल डाउन होगी तो जब आप इसको समोसे में फिल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टिकी नहीं होगी और ये बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बस ये मिक्स करने के बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे समोसों को फिल करने की। तो ये रेडी हो गई है मज़ेदार सी चिकन चीज़ फिलिंग और अब तैयारी करते हैं समोसों को फिल करने की। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विट्स ब्रांड की समोसा शीट्स। ये यहाँ सऊदीया में आई थिंक मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आराम से मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गई थी। तो माशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑफ़र्स लगती हैं और रमदान के आते साथ ही माशाल्लाह और ज़्यादा ऑफ़र्स आ जाती हैं। तो ये ऑफ़र था बाय वन गेट वन का, तो इसके साथ ये कंटेनर भी मिला है और साथ में ये 2 शीट्स मिली हैं जिसमें 100 शीट्स हैं स्विट्स कंपनी की। और यहाँ मैं एक पेस्ट बना रही हूँ जिससे हम समोसों को स्टिक करेंगे, जो कि है मैदा और वाटर। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं समोसा पट्टीज़ को ओपन कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी सी होती हैं और आई थिंक सो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में मिल जाती हैं। आई डोंट नो अबाउट US UK वगैरह, वहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये तो यहाँ का ब्रांड है तो यहाँ तो आराम से अवेलेबल है। और ये देखें कितनी अच्छी सी समोसा पट्टीज़ हैं, ये बिल्कुल इक्वली कट हुई हुई और बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने में। तो चलें अब आ जाते हैं मेन स्टेप की तरफ। अब सब समोसा को हम फिल करते हैं। ये देखें इसकी पेस्ट भी तैयार हो चुकी है जिसे हम इसको स्टिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो है ट्रे के ऊपर एक कवर शीट बिछा ली है ताकि मेरे समोसा स्टिक ना हो। तो सबसे पहले भरते हैं कीमे के समोसे। कीमे के समोसे भरने का आप तरीका देख लीजिए कि मैं कैसे भरती हूँ। सबसे पहले हमें एक कोन सी बनानी है, जैसे देखें मैंने ये कोन बनाई है, इसको इस तरह टर्न किया फिर दोबारा टर्न किया तो देखें कोन बन गई। कोन में आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा सील हो। तो ये कोन बनाने के बाद मैं इसके अंदर फिलिंग भर रही हूँ और फिलिंग भरने के बाद अब आप देखें मैं किस तरह इसको टर्न करूँगी। तो सबसे पहले ये टर्न होगा लेफ्ट साइड, देन राइट साइड,
और उसके बाद हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर ये पेस्ट जो हमने बनाया था मैदा और बटर का, और फिर इसको हम बंद कर देंगे, इसको सील कर देंगे। Saling memberi, hilangkan iri dan dengki, karena Allah semata. Nawaitu sawma badin an adai fardhi syahri, Ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan, marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam, karena Allah semata. Nawaitu sawma badin an adai fardhi syahri, Ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Bulan yang berkah, marilah kita bersama, hidup damai sejahtera, karena Allah semata. Nawaitu sawma badin an adai fardhi syahri, Ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Di bulan Ramadhan ini, marilah melatih diri, moga bisa menjalani hingga akhir nanti. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, से रेडी हो चुके हैं, जिसमें मैंने बनाए कीमा फिलिंग समोसास, पोटैटो समोसास एंड चिकन एंड चीज़ समोसास। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी और आप लोग ज़रूर ये बनाएंगे और रमदान के लिए इसको बना के फ्रीज़ करेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। فارضل لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فارضل لله تعالى.